निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे हम काम की ओर देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि भाई साहब इंद्र सिंह जी ने जो भी पहल किए मैदान में आए तो वो नेतागिरी करने नहीं आए, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस बार। इस बार एक तेजस्वी सूर्य उदय होगा और हम उस उदय के साथ हैं। हम सभी साथ में हैं और सबका साथ हमारे भाई साहब इंद्र सिंह जी के साथ में है और हम यही सबसे प्रार्थना है कि हम लोग वोट करें और सपोर्ट करें और इंद्र भाई साहब को भारी मतों से विजय मतों से 25 तारीख को 7 नंबर पर ट्रक में बटन देके विजय कराएं। जय श्री राम। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज की आप देख लीजिए सभा की हालचाल। आज रानीगांव भगवामय हो गया है। रानीगांव में आज कमेटी के बाद में यहाँ 500-600 कार्यकर्ता भाई साहब के जय घोष के साथ में भाई साहब का स्वागत किया है। भाई साहब हम सब तन मन धन जो हमसे लगता है वो सब के साथ समर्पण के साथ हम भाई साहब के साथ में हैं और भाई साहब की जीत 100% पक्की है। ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा, ये बात है, बड़ा विषय रहेगा इस चुनाव में। और ये भाई साहब का नारा है, ये नारा है और ये नारा आपको 25 तारीख को 7 नंबर की निशान पे लग के आने वाले रिजल्ट में भाई साहब की जीत पक्की है। इस बार मारवाड़ में इंद्र सिंह भाई साहब का हर्षम लहराएगा। निश्चित रूप से अभी भैया कह रहे थे इंदर जी कि क्या मैं जीतूंगा, क्या मेरी जीत पक्की है, क्या मैं तुम लोगों के भरोसे आगे चल सकता हूँ। आज मैं इंदर भैया को कह रही हूँ कि नरेंद्र और इंदर में सिर्फ नर और इंदर का फर्क है। गुजरात की भूमि में नरेंद्र गढ़ा, गुजरात की भूमि ने नरेंद्र गढ़ा जिसने पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया, और मारवाड़ की भूमि ने इंदर गढ़ा है जो पूरे विश्व को लोहा मनवाएगा। आपको कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी जीत तो यहां बैठी ये भारी संख्या बता रही है। और ये मन ज्योति तन ज्वाला हिम्मत है हिमाला जनगण का अधिनायक अपहरण मारवाड़ की धरती माते करो नहीं तो कई जना कह के मरो कोई नहीं पछी मरो। आज तक जाति रे नाम माते उकसाया, जाति रे नाम माते लड़ाया, जाति रे नाम माते चेहर गोलियो। कभी थे अकेले हुए आज इतने, ना तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। इस प्रखर आत्मविश्वास और जीवट के साथ निरंतर राष्ट्र सेवा के कार्य में लगे हुए इस व्यक्तित्व का नाम है इंद्र सिंह। आज पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के क्षेत्र में अगले विधायक के रूप में व्यक्ति व्यक्ति की जुबान पर किसी एक नाम की चर्चा चल रही है तो वो है इंद्र सिंह। गौ माता की सुरक्षा की बात हो अथवा गोचर पर धनपतियों और नेताओं के द्वारा हो रहे कब्जों को हटाने की बात हो, लव जिहाद की घिनौनी हरकत हो अथवा
किसी गरीब को परेशान किया जा रहा हो, अपने हिंदू समाज के लिए सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले इस योद्धा ने तय कर रखा है कि आने वाले समय में मारवाड़ विकसित भी होगा और स्वाभिमानी भी। आज से 10 साल पहले अपनी सरकारी अध्यापक की नौकरी को ठोकर मारकर राष्ट्रभक्ति का भाव हृदय में धारण करके हिंदू समाज को संगठित करने के लिए झोला लेकर निकल पड़ा था ये वैरागी। पिछले कई वर्षों से अपने मारवाड़ क्षेत्र में संस्कृति संरक्षण संस्थान से जुड़कर अथक परिश्रम कर रहा ये व्यक्तित्व कठिन जीवन जी रहा है। ना स्वयं का घर परिवार, ना भोजन पानी का ठिकाना, ना थकने का नाम, ना रुकने का काम। घर घर, गांव गांव, गली गली, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की अखंड साधना कर रहा इंद्र सिंह, जिसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं और ना ही कोई महत्वाकांक्षा इच्छा है, तो केवल एक यही कि अपना मारवाड़ क्षेत्र संगठित और ताकतवर रूप में खड़ा हो तथा पूरे राजस्थान में एक विशेष पहचान बना सके। अब निर्णय आपके हाथ में है। अपनी ताकत और अपना विश्वास देकर ऐसे निस्वार्थी संत पुरुष को मारवाड़ विधानसभा का विधायक बनाना आज हम सबका, 36 कौम का जिम्मेदारी भरा कर्तव्य है। आज के समय की मांग ये है कि आप किसी भी जाति बिरादरी के होंगे, लेकिन अब जातिवाद की संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रवाद का विचार करने वाले ऐसे व्यक्ति को वोट और सपोर्ट करना होगा जो धरती की सेवा करने का और जन जन में सदैव उपलब्ध रहने का हौसला रखता हो। इस देश के सामान्य जन जन का चैतन्य जागृत हुआ तो इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा स्वाभिमानी और प्रधान सेवक राजा मिला है, योगी आदित्यनाथ जैसा सन्यासी राजा मिला जिनके रोम रोम में त्याग और बलिदान अंकित है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मारवाड़ क्षेत्र में उसी योगी मॉडल को अपनी आंखों से देखने का स्वप्न साकार करें। आइए संकल्प करें, आने वाला विधानसभा चुनाव निर्णायक होगा मारवाड़ की भविष्य के लिए। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है, घोषित ये परिणाम है। जमीन के मिटेशन बनाने, कागज बनाने तो भी 20-25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। एक सामान्य अभावग्रस्त किसान या मजदूर या गरीब रिश्वत का पैसा कहां से लाएगा? और जो लोग रिश्वत मांगते हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी बेईमानी करते हैं, वास्तव में उन लोगों को सरकार मोटी रकम देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन फिर भी लालच और भ्रष्टाचार और गंदी नीयत के कारण सामान्य से सामान्य आदमी बेचारा दुखी है। हर 5 साल में चुनाव आवे ना, आपको ले देवरा ने वोट दे देने, कभी कुशवीर सिंह कभी कैसा राम, कभी कुशवीर सिंह कभी कैसा राम, वड़ा ने वोट दे दे जिताओ। रिजल्ट का क्षेत्र में रिजल्ट का दरअसल भ्रष्टाचार बढ़े, दरअसल पूंजीवाद बढ़ रही है, दरअसल गुंडागर्दी बेईमानी बढ़ रही है, विकास रे नाम में तो छलावा बह रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, गरीब और दुखी तो दुखी हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम जागरूक नहीं, आप और हम सभी नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की कमाई खाते हैं ये लोग।